मंसूर, आप लोग में से अक्सर लोग ये जानते होंगे कि मैं डॉक्टर हूँ, और ज्यादातर मेरा जो तारुफ है वो शायद नो फिल्टर्स के हवाले से है, जिस पेज पे आज आप सब लोग मौजूद हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. वी आर हेयर टुडे इन कोलेबोरेशन विद बायर फार्मास्यूटिकल्स एंड एसओजीपी, विच इज द लीडिंग प्लेटफॉर्म एसोसिएशन ऑफ द गायनोकोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान. सो आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हेयर इन कंपनी ऑफ द प्रेस्टिजियस प्रोफेसर हलीमा यासमीन, हु इज द जनरल सेक्रेटरी एट एसओजीपी. शी हैज डन हर एफसीपीएस एंड करंटली इज हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ गायनी एंड ऑब्स एट जेपीएमसी. सो वेलकम डॉक्टर साहिबा, प्रोफेसर साहिबा बल्के, थैंक यू सो थैंक यू मच वेरी मच. फॉर ज्वाइनिंग अस थैंक यू टूडे. तमकिनत. यू कैन कॉल मी डॉक्टर हलीमा, प्लीज डोंट कॉल मी प्रोफेसर साहिबा. थैंक यू. थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग हैंड्स विद एसओजीपी टू योर इट्स चैनल एज माय वेल ऑनर, एज इट्स माय ऑनर. बायोफार्मास्यूटिकल. हाँ तो आज का जो हमारा सेशन है, इट इज अबाउट अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, स्पेशली इन विमेन. तो क्योंकि हम गायनोकोलॉजिस्ट के प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली फॉर विमेन एंड जनरली फॉर एवरीबडी हु सफर्स फ्रॉम यूटीआई, विच इज बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम आम जबान में पेशाब का या पेशाब की नाली का इन्फेक्शन कहते हैं. तो आज की बिल्कुल जो हमारी ये जो सेशन है हमारा, इट इज अबाउट द डिफरेंट रीजंस और कैसे इससे आप टैकल कर सकते हैं, और आपके जो क्वेश्चंस आप लोगों ने हमें भेजे थे उनके आंसर्स भी प्रोफेसर साहिबा हमें देंगी आज. तो विदाउट एनी फर्दर डिले आई थिंक वी शुड स्टार्ट. तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो ये है कि व्हाई इज इट सो कॉमन इन रमजान एंड व्हाई इज इट सो कॉमन इन विमेन, ये अगर आप काइंडली ओके थोड़ा okay. सा हमें इंट्रो में बता दें. जी थैंक यू तमकिनाथ फॉर आस्किंग दिस वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन. इसके जवाब में मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए मसाने के और मसाने की नलकी के या पेशाब और पेशाब की नलकी के जो इन्फेक्शंस हैं उनके ताल्लुक बहुत ज्यादा हमारे पानी की इनटेक से. हम जितना बेहतर अपना पानी जिस्म की मिकदार पीने की रखेंगे उतना वो फ्लश आउट होता जाए. इट्स जस्ट लाइक अ ट्रैक, गुर्दे में पानी जमा होता है खून से और वो नलकियों के जरिए बाहर निकल जाता है. इट्स जस्ट लाइक फ्लशिंग एनी पाइप होज. तो अगर हम पानी कम सही. पिएंगे फ्लश आउट चीजें कम होंगी तो उससे जो भी जिस्म के मादे हैं जो एक्सक्रीट हो रहे हैं यूरिन से वो भी जमा हो सकते हैं और इन्फेक्शन का बाइस बन सकते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं या जरासीम जैसे हम कहते हैं बैक्टीरिया, वो हर जगह है मौजूद और खाने का एरिया एक खास है जिसे अगर हम उसको बहुत ज्यादा फ्लश आउट नहीं करेंगे तो वहां बैक्टीरिया होते ही होते हैं हमारी स्किन पे हमारे हाथों में हर बिल्कुल. जगह. जैसे बैक्टीरिया होते हैं मसाने में भी होते हैं, मसाने की नलकी के करीब होते हैं तो वो असेंड कर जाते हैं. अगर फ्लश आउट नहीं हो रहे तो उन्हें मौका मिल जाता है ग्रो करने का एंड देन देयर रिजल्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. और फीमेल्स में जो आपने पूछा उसकी वजह ये है कि जो फीमेल की एनाटमी है जो उनकी बनावटी साख्त है जिस्म की उसमें उनका यूरेथ्रा जो है वो जरा छोटा होता है, मेल का यूरेथ्रा लंबे साइज का होता है. तो छोटे यूरेथ्रा में जरासीम का असेंड करके मसाने तक पहुंचना आसान होता है, उसकी चौड़ाई भी ज्यादा होती बिल्कुल, है क्योंकि थोड़ी और वो जगह है तो जिस्म में. जल्दी पहुंच जाते हैं हाँ ऊपर. बिल्कुल बिल्कुल. और वजाइना के करीब है तो जाहिर है सेक्सुअल इंटरकोर्स, सफाई सुथराई, लिबास कैसा पहना जा रहा है, ये वो तमाम चीजें हैं जिनसे इस पर असर होता है. तो रमजान में ये आई इतना होप कॉमन, तुमने, हाँ जैसा कि आपने कहा वो पानी की ऑब्वियस है, कमी, क्योंकि पानी हमारा की कमी. वाटर इनटेक कम है तो इसलिए. हाँ ठीक है. अच्छा, और दूसरा जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये है कि अगर ये चीजें हमें पता है कि ये वजूहात हैं कि जैसे सफाई सुथराई लोग प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते, या उनका पानी का इनटेक कम है, या ये है कि वैसे जो उनकी इर्द गिर्द की जो एनवायरमेंट है उसमें अगर जरासीम ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी हॉस्टलाइट्स के मुझे मैसेजेस आए और उन्होंने, और बहुत सारे ऐसे लोग जो काम करते हैं, बहुत सारी ऐसी खवातीन जो ऑफिस में काम करती हैं, वहां उन्हें कॉमन वॉशरूम यूज करने पड़ते हैं, तो उनके बहुत क्वेश्चंस थे कि क्या इस वजह से भी हमें ये इन्फेक्शन हो सकता है कि अगर हम एक कॉमन वॉशरूम बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर वो कहते हैं कि जी हम हमारे वर्क प्लेस पे वॉशरूम साफ नहीं होते, वहां से शायद हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और हॉस्टलाइट्स का भी ये बहुत एक कॉमन मसला है. तो इस पे अगर आप ब्रीफली थोड़ा सा हमें बता दें कि हाउ कैन दे प्रिवेंट इट. देखिए कॉमन टॉयलेट्स का ये कह देना कि वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपका पर्सनल टॉयलेट, तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है. सो जहां पर कॉमन टॉयलेट्स हैं ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर उनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना और इन बिटवीन कोई ऐसे सर्फेसेस बिछा लेना कमोड के सीट पे या
बेहतर हो कि अगर इस तरह की सीट हो जो बॉडी के कांटेक्ट में ना आए, जैसे ईस्टर्न कमोड हो, जैसे कि तो उसमें शायद उनको ठीक इतना, है, इंडियन टॉयलेट जिसे हाँ कहते हैं। जी बिल्कुल, तो उसमें शायद ये चांसेस कम हो जाए। और जहां तक आप बात करिए प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन सबसे पहले तो देखिए ज्यादा पानी पीना, किसी भी किस्म का फ्लूइड इनटेक, उससे ये प्रिवेंट किया जा सकता है। उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आई थिंक क्लोथिंग, ओवरऑल एटमोसफेयर, हमारी बॉडी का सारा दिन बैठे रहना, पोस्चर हम कैसा यूज कर रहे हैं और किस किस्म का लिबास इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत तंग लिबास है, नायलॉन का अंडर गार्मेंट है, बहुत टाइट आजकल जिस्म के पजामे आ गए हैं, और जीन्स का रिवाज है बच्चियों में, खासतौर पे यंग खवातीन में जो दफ्तर जाती हैं, बिकॉज दे फील इजी इन दैट काम के लिए, तो वो कंफर्टेबल ड्रेस चीजें है। भी कॉज कर सकती है। लेकिन वो मॉइस्चर को ट्रैप कर लेता है, हमारा ओवरऑल सही, मॉइस्टर्ड और बहुत ज्यादा हॉट एनवायरमेंट है, तो उसमें वो बैक्टीरिया को ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी तरह आप अगर टॉयलेट जाएं और खुद को क्योंकि ड्राई ना करें, जी फिर जी से जी जी कहें थमके ना, मैं ये कहना आप चाह रही थी डॉक्टर कि हैं इसलिए जैसे आई वुड जो लाइक टू हियर फ्रॉम यू। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके यही कहना चाह रही थी, क्योंकि एज अ लेमैन भी मतलब, और मेरे ख्याल से बहुत सारे डॉक्टर्स को भी इस एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि ना सिर्फ पेशेंट्स इस बारे में बहुत कम जानते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जो यूटीआई के ट्रीटमेंट के बारे में शायद उस तरह से, क्योंकि जब हम प्रिस्क्रिप्शंस देखते हैं तो हमें लगता है शायद उस तरह से उनको नहीं आइडिया। सो आई थिंक एक सिंपल लैंग्वेज में लोगों को बताना ये बातें बहुत जरूरी है, कि जहां पे भी मॉइस्चर यानी कि नमी ज्यादा होगी या जहां पे भी गर्मी थोड़ी ज्यादा होगी, ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं। तो क्योंकि हमारा जो ग्रोइन करेक्ट है, जहां करेक्ट, पे हमारे पेशाब के सारी वो ओपनिंग है, वो एरिया क्योंकि ज्यादातर अगर आप बैठे रहेंगे वो गर्म भी जगह रहेगी और वहां मॉइस्चर भी यानी नमी भी बढ़ती रहेगी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब आपने बात की है कि जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो अक्सर हम पानी से तो वॉश कर लेते हैं लेकिन हम ड्राई नहीं करते, तो इस पे काइंडली आप थोड़ा सा गाइड करें कि कैसे ड्राई करना चाहिए और ड्राई करना क्या हर मौसम में जरूरी है, ये थोड़ा सा हमारे ऑडियंसेस को प्लीज गाइड कर दें कि वॉशरूम असल में यूज उन्होंने कैसे करना है। इनका तमकिना मेरा जवाब इस सिलसिले में यही होगा कि देखिए अगर बहुत ज्यादा हॉट वेदर है और उनको इतना कोई लग रहा है कि जो उनका मॉइस्चर है वो जल्दी से ठीक हो जाएगा, कपड़ा भी ढीला है, तो जरूरी नहीं है ड्राई करें, बिकॉज ड्राइंग प्रैक्टिसेस भी लोग उसमें क्या करते हैं, दे रब देयर, दे वाइप देयर बॉडीज फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड्स, पिछले हिस्से से आगे की जानिब एग्जैक्टली जिस्म को सफा करते हैं, जो कि शायद एक गैर मुनासिब तरीका है। सो वाइपिंग, अगर वाइप करना है तो आप वाइप कीजिए फ्रॉम फ्रंट बैकवर्ड्स नंबर वन, और वाइपिंग इतनी ना एक्सेसिव हो जाए कि वो ही ट्रॉमाटाइज कर दे यूरेथ्रा को, लोग फिर वो सफाई के लिए फनेटिक ही हो जाते हैं और वो इतना उसको अपनी हाइजीन के लिए करने लगते हैं कि देन दे ट्राई टू वाइप देम सो मच कि वो ट्रॉमा उसकी वजह से भी हो सकता है। सो वाइपिंग इन अ सॉफ्ट यानी कि वे, बहुत जस्ट डैबिंग योर सेल्फ, हाँ सिर्फ थपथपा के कि उसको बहुत साफ कर रगड़ दे रगड़ जगह के को, मत कि उसमें से करें। नमी हट जाए, हाँ नमी हट जाए हाँ बस। और उसके अलावा यानी कि ये कर पा सकते हैं जी कि जी पानी ज्यादा जो पीना है, बहुत अरसे देर तक मसाने में पेशाब को ना रोकें, अगर एक हद तक हाजत फील हो रही है तो प्लीज जाके पेशाब कर लें। और हाँ ठीक है, अगर ऐसा टॉयलेट है तो वहां आप कोई ऐसी प्रैक्टिस कर लें कि टॉयलेट सीट पे कोई टिश्यू या कोई प्लास्टिक का लिफाफा बिछा के और फिर उसको फेंक दें, या इस तरह कुछ ना कुछ अपने लिए करना होगा बजाय के पेशाब को रोक के अपने आप को मुसीबत में डालें। और इसी तरह सेक्सुअल ठीक है। प्रैक्टिसेस जो अच्छा, हमारी और शादीशुदा खवातीन हैं जी जी उनके लिए भी मेरा यही मशवरा होगा कि वो अपने सेक्सुअल इंटरकोर्स और जिस्मानी ताल्लुक से पहले और उसके बाद खुद को साफ पानी से धो लें। जरूरी नहीं है साबुन या बहुत ज्यादा हाइजीन के प्रोडक्ट्स लगाना, उससे भी हमारा जो अपना नॉर्मल फ्लोरा है जो वजाइना और यूरेथ्रा के लिए जरूरी है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओवर एक्सेसिव वॉशिंग एंड एक्सेसिव वाइपिंग इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। यानी कि सिर्फ सादे पानी से धो के हल्के हाथ से टिश्यू पेपर के साथ आप उसको ऐसे डैब करके जगह को खुश कर लें और उस टिश्यू पेपर को फेंक दें, क्योंकि अक्सर लोगों का मैंने ये भी देखा है कि उन्होंने एक ही कपड़ा रखा होता है ड्राई करने के लिए, तो वो मेरे ख्याल से वो फिर बैक्टीरिया नो, उसमें भी ग्रो करता है, वो बार बार उससे टच हाँ करते हैं और इन्फेक्शन होता है। तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टिश्यू बिल्कुल हल्के हाथ से डैब करके ऐसे मतलब नमी को खुश कर लें और उस टिश्यू को फिर जाया कर दें और अगली दफा आप नया टिश्यू इस्तेमाल करें। जी अच्छा डॉक्टर बिल्कुल साहब, इसके अलावा ये भी है कि जी किसी बिल्कुल बंदे को कैसे बिल्कुल पता चले कि उसको यूटीआई या पेशाब का इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि बहुत सी खवातीन है मैंने नोट किया है
कि जब उनको वजाइनल इन्फेक्शन भी होता है वो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती। मतलब बहुत से लोगों ने मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे उनमें मुझे लग रहा था कि वो मेरे से बेसिकली अपने वजाइनल इन्फेक्शन का पूछ रही है कि मुझे इस कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, मुझे इचिंग हो रही है, मुझे ये, जो कि नॉर्मली यूटीआई के सिम्टम्स नहीं है। तो अगर आप हमें बता दें कि बिल्कुल यूटीआई के सिम्टम्स पहले तो क्या है, और दूसरे हम यूटीआई के सिम्टम्स को जो वैसे वजाइनल इन्फेक्शन है दूसरे उनसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बेहतर बेहतर। ये यकीनन ऐसा एक सवाल है जो हम सब गायनी क्लिनिक्स में खवातीन को वी कांट डिफ्रेंशिएट, खुद इवन डॉक्टर्स को भी अगर हो जाए तो एकदम ये पहचान लेना कि ये वजाइनल इन्फेक्शन का इचिंग या इरिटेशन है या यूरेथ्रल है, इट्स नॉट वेरी इजी। तो एक तो एग्जैक्टली जहां से पेशाब खारिज होता है उस जगह पर तकलीफ होती है, जिसको हम यूरेथ्रल इन्फ्लेमेशन कहते हैं या यूरेथ्राइटिस कहते हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम का। उसके जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स बड़े कॉमन होते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी, बार बार पेशाब का आना, पेशाब करके ऐसा लगना कि पूरा नहीं हुआ, पेशाब करने में जलन उस जगह पर महसूस होना, बिल्कुल नाफ के नीचे और हड्डी के ऊपर का हिस्सा जिसको हम सुप्रा प्यूबिक एरिया कहते हैं, वहां पर पेशाब करने के बाद डल एक होना कि उससे झुरझुरी सी चढ़ जाती है खातून को, ऐसा भी लग सकता है। उसके अलावा पेशाब की रंगत में तब्दीली आ सकती है, धुएं जैसा या पस जैसा हो सकता है, बहुत सिवियर हालात में खुदा ना खास्ता खून जैसा भी पेशाब का रंग हो सकता है, कभी कभार बिल्कुल खून फ्रैंक हीमचूरिया जिसको हम कहते हैं वो आना शुरू हो जाता है। और दूसरा इसके अलावा ज्यादातर तो यही है, लेकिन वजाइनल इन्फेक्शन में जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो वजाइनल एरिया से आता है और उसका पेशाब से ताल्लुक नहीं होता, वो किसी भी वक्त महसूस हो सकता है, और उसमें इचिंग आमतौर पे और मैल ओडरस, उसका बदबू आना, उसकी रंगत का तब्दील होना ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू पेशाब इन्फेक्शन। मेरे ख्याल से हम में से बहुत सारे जो मतलब लेमेन है उनको काफी बड़ी उम्र तक यही डिफ्रेंशिएट नहीं होता, उनको ये नहीं समझ होती कि पेशाब करने के लिए उनकी नाली अलग है और वजाइनल ओपनिंग अलग है। तो ये अपनी एनाटॉमी का खुद पता होना मेरे ख्याल से औरतों के लिए बहुत जरूरी है, मर्दों के लिए भी जरूरी है लेकिन औरतों के लिए बहुत जरूरी है कि उनको ये पता हो कि आप पेशाब जिस नाली से करते हैं जो ओपनिंग है उसकी वो डिफरेंट है, आपकी वजाइना की ओपनिंग डिफरेंट है। अगर आपको पेशाब करते हुए उस दौरान तकलीफ या जलन महसूस हो या बार बार आए तो वो पेशाब का इन्फेक्शन है। लेकिन पेशाब के अलावा भी अगर आपको अपने कपड़ों पर, अपनी अंडरवेयर पर या अपने ट्राउजर्स पर कोई डिस्चार्ज नजर आए जिसकी स्मेल आपको गंदी लगे या जिसका रंग थोड़ा डिफरेंट है, ग्रीन है या फिर रेड है या फिर ब्राउनिश है, और उसके अलावा ये कि आपकी जो ओवरऑल जो पूरा एरिया है उसमें आपको खारिश या दर्द महसूस हो तो वो वजाइनल इन्फेक्शन है। तो इन दोनों चीजों को डिफ्रेंशिएट करना मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों को ये पता हो कि असल में मसला क्या है, तो डॉक्टर के पास भी जब जाएं जी और खुद भी जी यही अंदाजा हो कि ये मतलब मेरी अपने जिस्म के बारे में इंसान को एक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये क्रैनबेरी जूस का जो यूज है, क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स को भी मैंने देखा, और कुछ अरसे पहले था जब तक कि मैंने ये रिसर्च वगैरह नहीं पढ़ी थी, ये भी बाहर के तवस्सुत से ही, तो मुझे भी ये कम्प्लीटली आइडिया नहीं था कि माइल्ड इन्फेक्शन अगर हो यूरिनरी ट्रैक्ट का, पहले तो थोड़ा सा आप ब्रीफली ये भी बता दें कि नॉन कॉम्प्लिकेटेड, अनकॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन में क्या फर्क है, और क्रैनबेरी जूस का इसमें क्या रोल है, क्या ये ट्रीटमेंट है, क्या ये कंप्लीट दवाई है जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये सिर्फ सिम्टमेटिक रिलीफ है, और इसको कैसे, कब और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए या क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है पेशेंट्स में भी और डॉक्टर्स में भी। ठीक है। क्रैनबेरी एक हर्बल तरीके से एक्सट्रैक्ट किया हुआ फ्रूट होता है, ड्राई करके, जिस तरह हमारे यहाँ किशमिश या मुनक्का होता है उस किस्म का, ये साउथ अफ्रीकन एरियाज में ज्यादा होता है, उसको लोग फल ठीक के तौर पे भी ड्राई करके खाते हैं और उसका जूस भी बन जाता है, अब उसके पाउडर्स अवेलेबल हैं, उसकी जगह जगह प्रोडक्ट्स भी बन गई हैं। ये एक सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, एक डाइट्री प्रोडक्ट है जो कि सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकता है अल्कलनाइज करके यूरिन को, लेकिन वो जरासीम कुछ उसकी कैफियत नहीं है, वो जरासीम को नहीं मार सकता, इट कांट किल द बैक्टीरिया। और यूटीआई में रीजन इज नॉट ओनली इरिटेशन, द इरिटेशन इज बेसिकली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, सो इफ बैक्टीरिया हैव जस्ट एंटर्ड एंड इट्स कॉजिंग इरिटेशन ऑफ द ब्लैडर या मसाना पे ही अभी दाखिल हुए हैं और उसको
तंग कर रहे हैं, तो उससे ये अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई आप उस बैक्टीरिया को खत्म कर दें, ये इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, थोड़ी डोज से खत्म हो जाएगा। और इसको अगर कॉम्प्लिकेट करना हो तो वो असेंड हो जाता है। एक तो ये कि वो जो हमारा मसाने का ट्रांजिशनल एपिथीलियम है उसके साथ अटैच हो जाते हैं ईकोलाई जो जरासीम है, और वो यूरेटर के जरिए जो नलकियां गुर्दे से पेशाब को ला रही हैं उनमें चढ़ जाते हैं, जिससे वो पाइलोनेफ्राइटिस या किडनी की इन्फेक्शन में तब्दील हो सकता है। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, या जो बार बार फिर इतना रह जाता है कि रिकरेंट होने लगता है। तो क्रैनबेरी इज अ सिम्टोमेटिक रिलीफ, इट इज एडिशनल ट्रीटमेंट दे सकते हैं आप उसको प्रॉपर दवाई के साथ, लेकिन उससे थोड़ी देर बेहतरी महसूस होगी। और जितने भी रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक आरसीओजी, नाइस, दे डोंट रिकमेंड क्रैनबेरी जूस और क्रैनबेरी प्रोडक्ट्स एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन, बट डेफिनेटली एज अ सिम्टोमेटिक रिलीफ इट कैन बी यूज्ड। बट ये ना सोचें कि उसको पीने से अब हट जाए, वो थोड़ी देर को आराम आएगा लेकिन इट वोंट गो अवे, और वो अनकॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड में तब्दील हो सकता है। सही, यानी कि जैसे बुखार की बहुत सारी वजूहात होती हैं बुखार की, तो अगर किसी को बुखार हुआ है और वो सिर्फ बुखार की ही गोली खाए जा रहे हैं लेकिन जिस वजह से बुखार हुआ है उस वजह को एड्रेस नहीं कर रहे, तो वो जब तक गोली का असर रहेगा बुखार उतरा रहेगा और फिर दोबारा चढ़ जाएगा। इसी तरह क्रैनबेरी भी ये है कि आपका जो जो पेशाब में तेजाबियत है उसको वो थोड़ा सा कम कर देगा, तो तकलीफ कम हो जाएगी लेकिन बीमारी खत्म नहीं होगी। और उसके लिए बीमारी खत्म करने के लिए डॉक्टर साहब क्या आपकी रिकमेंडेशन क्या है कि इसके लिए असल ट्रीटमेंट क्या है फिर यूटीआई के लिए, अगर क्रैनबेरी ट्रीटमेंट नहीं है तो? जी देखिए, किसी भी इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट हम सबको पता है, गले की इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट, आंत के इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट, मसाने के इन्फेक्शन, स्किन के इन्फेक्शन, इन्फेक्शन इज बिकॉज ऑफ जर्म्स, इट इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। और अगर ये प्रूव हो गया है कि ये इन्फेक्शन है जो कि हमने इन सिम्टम्स जो उनको जाहिर हो रही है अलामात उससे पता लग गया, तो उसकी ट्रीटमेंट तो फिर प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके अलामात बता के टेस्ट करा के तो दवाई लेना है जो कि एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का डोजेज और एंटीबायोटिक कैसे प्रिस्क्राइब करनी है, कौन सा सेंसिटिविटी में जरासीम को आया है दवाई वो देनी है, तब तक ब्रॉड स्पेक्ट्रम देना है, क्या करना है वगैरह वगैरह, ये उस डॉक्टर का डोमेन है जिसके पास मरीज को जाना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है दैट्स समथिंग विच इज वेरी ट्रबलसम एंड दैट्स वरीसम एज वेल। हम पहले सारा कुछ घर पे खुद ही करते रहते हैं, खुद ही बिल्कुल पूरा ट्रीटमेंट करके फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। और फिर जब वो बेचारा डॉक्टर बात करता है तो हमने तो ये भी कर लिया, हमने तो वो भी कर लिया, तो ऑब्वियसली उनके लिए भी एक सिचुएशन परेशानी की हो जाती है। लेकिन ऑब्वियसली फिर ऐसे मरीजों को काउंसिल करना भी आसान नहीं होता, लेकिन मुकम्मल मरीज ऐसे होते भी नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो बहुत जल्दी बात को समझ लेते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जा करके डॉक्टर से अपनी अलामत बता कर अपनी प्रॉपर तशखीस करा कर दवा तजवीज कराने ही में अकलमंदी है, उससे पहले खुद से दवा लेकर के अपनी तबीयत को मजीद बिगाड़ ना पैदा करें, बस यही है इसका। और एंटीबायोटिक ही यूटीआई का इलाज है, अगर यूटीआई प्रूव हो गया तो फिर दवाई खानी पड़ेगी एंटीबायोटिक। ठीक, अच्छा अब ये तो वो क्वेश्चंस हो गए जो हमने ऑलरेडी मतलब एक बेसलाइन करने थे। अब हमारे पास ऑलमोस्ट 10 मिनट्स रह गए हैं, इसमें मैं वो वाले क्वेश्चंस आपसे करना चाहूंगी जो ज्यादातर लोगों ने पूछे हैं, और उनमें से बहुत सारी तो बातें ऑलरेडी आपने क्लियर कर दी हैं, कुछ एक दो जो पॉइंट्स रह गए थे वो मैं एड्रेस करना चाहूंगी। एक क्वेश्चन वही जैसे आपने भी थोड़ा सा जिक्र किया, पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि उनको रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, वो कह रहे हैं हम डॉक्टर के पास गए हैं, हमने दवाई खाई है, हमने एंटीबायोटिक का कोर्स भी पूरा किया है, सब कुछ किया है, कुछ अरसा हम ठीक रहते हैं और फिर ये इन्फेक्शन दोबारा हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनमें ये बार बार इन्फेक्शन हो रहा है उनमें क्या रेकमेंडेशन है, वो बेचारे तंग आ चुके हैं, वो क्या करें? जी देखिए, इसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनसे रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, होस्ट जो खुद इंसान जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसके मैकेनिजम्स, जो ट्रीटमेंट एसोसिएटेड है, और जो जो जरासीम है, जो बग है जिसने ये किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो होस्ट मैकेनिज्म्स हैं जिनसे रिकरेंट हो सकता है वो ये कि उसकी इम्यूनिटी शख्स की खराब है, उनके मसाने में फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का बनावटी डाइवर्टिकुलम है, मसाना जो है उसमें कोई छोटा सा पाउच बना हुआ है जैसे मस्सा बन गया है, या कोई पथरी है, या मसाने के कोई बार बार इस तरह के स्ट्रक्चरल एनोमलीज हैं जिनसे मसाना बनावटी तौर पर ठीक नहीं है, तो वहां पर वो फ्लश आउट होने का मैकेनिज्म अच्छा नहीं होगा। यूरिथ्रा में कोई डाइवर्टिकुलम है,
यानी कि मसाने की नलकी जिससे पेशाब निकलता है, इन तमाम वजूहात से हो सकता है। और शख्स जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसकी इम्यूनिटी लो है, उसका प्रोलॉन्ग कोई स्टेरॉइड्स का कोर्स चला है, प्रेगनेंसी इटसेल्फ की वजह से इम्यूनिटी लो हो जाती है, और डायबिटिक पेशेंट्स, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, इस तरह के मरीज, या जिनको बार बार ट्रॉमा या रगड़ उस जगह पर लगती है किसी भी वजह से, उनके काम से, जिस्मानी ताल्लुक से या लिबास से, उनमें रिकरेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो होस्ट फैक्टर्स हो गए। अब आगे ट्रीटमेंट एसोसिएटेड फैक्टर्स, जो उन्होंने पहले अद्वियात ली थी वो मुनासिब डोज में नहीं थी, मुनासिब दवा जो उस जरासीम पर असर करनी थी वो नहीं ली गई, ओरिजिनल दवा नहीं थी, जो हमारे यहाँ आपको पता है हर तरह का ब्रांड, हर तरह की दवाई बन गई है, मुख्तलिफ टीवी में प्रोग्राम आते हैं, अंदर से पाउडर निकल रहे हैं, लोगों ने जाके पकड़ लिया उन कंपनियों को, वट एवर। सो इट्स बेसिकली कि दवा बहुत ज्यादा ओरिजिनल या अच्छी नौयत की नहीं थी, दवा की मुनासिब डोज डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा ने तजवीज नहीं की, या जिन्होंने दिया था वो अताई डॉक्टर थे या बन बैठे थे डॉक्टर और थे नहीं, उनके पास लोग जा रहे हैं, इलाज हो रहा है, कुछ को फर्क हो रहा है, कुछ को नहीं हो रहा, उनमें ये भी हो सकते हैं, जिनको सही दवाई ना दी गई और वो सही डॉक्टर ओरिजिनल डॉक्टर ही ना। अब आ जाते हैं तीसरा, कि जो बैक्टीरिया हैं वो भी एटिपिकल हो सकते हैं, वो बहुत ज्यादा विरुलेंट हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन दो में हो, कभी कभार बैक्टीरिया माइट बी अ कॉज जिससे ऐसा हो जाए। सो इट्स होस्ट मैकेनिज्म, यानी कि बैक्टीरिया इतने ताकतवर है, बैक्टीरिया ही कुछ ज्यादा शैतान होते हैं। जी, तो उनके लिए फिर हमें, तो फिर उनके साथ कैसे लड़ा जाए, उन शैतान बैक्टीरिया के साथ ज्यादा हमें स्ट्रॉन्ग दवाई की जरूरत होगी। देखिए, अगर वो बैक्टीरिया को हम शैतान ना बनने दें और उनको पहले से ही वक्त पर ट्रीट कर दिया जाए, एक मुनासिब दवा मुनासिब डोज में लेके, बी ओरिजिनल, कि आप अपनी बॉडी के साथ तो ओरिजिनल सलूक करें, आप कपड़े पहनने जाते हैं, यू वॉन्ट टू बाय फूड, यू वॉन्ट टू बाय द बेस्ट थिंग फॉर योर सेल्फ, आप अच्छी चीज खरीदना चाहते हैं, तो फिर दवाई के सिलसिले में, डॉक्टर के सिलसिले में प्लीज अपनी च्वाइसेस को बेहतर रखें, सोच समझ के जाएं, रिव्यूज देख लें, दवा का डॉक्टर से पूछ लें, ये आपका हक है डॉक्टर से अपनी दवाई के बारे में पूछ लेना, या उनसे कह देना कि डॉक्टर साहब आप मुझे अच्छी दवा दें। सो यू हैव टू बी कंपैशनेट अबाउट योर हेल्थ, इट्स नॉट, ये आपका राइट भी है, एंड ये आपका एटीट्यूड भी होना चाहिए टुवर्ड्स योर ओन बॉडी। हमें ये दोबारा तो जिस्म नहीं मिलना, हम उसको तड़पा तड़पा के बीमारियों में डाल के क्यों खराब करें। सो वी हैव टू बी केयरफुल फॉर आवर बॉडी, आवर ओन हेल्थ, एंड वी हैव टू बी अडॉप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी गिजा खाएं, अच्छा लिबास पहने, अच्छा खाना खाएं, अच्छी तरह से रहें, अच्छा इलाज कराएं, अच्छी दवा लें, और अगर सही दवा टाइम पे ले ली जाए तो छोटी डोज से ही हो जाएगा, फिर वो कॉम्प्लिकेट होके रिकरेंट में ना जाएगा। लेकिन अगर हम वक्त पे दवा ना खाएं, क्रैनबेरी पी के समझें इलाज हो जाएगा, या ठंडी लस्सी पी लेंगे या वॉट एवर, तो इन चीजों से वक्त ही फायदा होता है, फिर चीजें खराब हो जाती हैं। सो अच्छा, ये जो आपने ठंडी लस्सी वाली जो आपने बात की, इस पे कुछ लोग ये भी कहते हैं जब मैं कोई गर्म चीज खाता हूँ या खाती हूँ तो मुझे ये मसला हो जाता है, ये गर्म चीज क्या है, इसकी क्या मेडिसिन में या मेडिकल जो स्टडीज हमने की है इसमें क्या गर्म ठंडे का कोई कॉन्सेप्ट है, ये काइंडली आप लोगों तक अगर मैसेज पहुंचा दें, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। ये मसले हम कह सकते हैं लेकिन इसका कोई असर होना नहीं है, ये मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी है और मैं एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर होने के नाते मैं दोबारा से कहूंगी कि साइंसी तौर पे किसी भी खुराक का ठंडी तासीर या गर्म तासीर होने का कोई अभी तक सबूत नहीं मिला है। हाँ, आपको कोई चीज खाने से तबीयत में अगर बेचैनी या मिर्ची वगैरह नहीं लग रही तो उसको ठंडी कह देते हैं, और अगर किसी को शायद हजम करने में मुश्किल है तो उसको पता नहीं गर्म कह देते हैं। आई हैव नो आइडिया, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिंदगी में हर चीज खाई है और मुझे तो कभी कुछ नहीं हुआ, और इस तरह बहुत सारे लोगों से मैंने कभी ठंडी गर्म नहीं लगी। अगर आप, हाँ नहीं लगी, लेकिन वो जो सोच लेते हैं आप और जो जहन बना लेते हैं उसका फिर मिथ निकालना मुश्किल है, बट आई थिंक अब चीजें बेहतर हो रही हैं, हर बिल्कुल लोगों में पढ़ाई का रुझान, तशखीस का रुझान और तहकीकी दवा का रुझान बढ़ गया है, जिससे वो रिसर्च प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बेहतर चीजों के बारे में जानते हैं, मेरा ख्याल है अब ये चीजें बेहतर होती जा रही हैं, ये वैसा नहीं है जैसे पहले था, पहले लोग बात समझ गए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो बहुत खवातीन में एक मसला कॉमन है, जो उन्होंने कुछ ने सवाल भी पूछा और कुछ कंफ्यूज भी थी, कि वो कहती हैं कि भाई
हमारे हस्बैंड बाहर रहते हैं, मुल्क से बाहर होती हैं, जब भी वो आते हैं तो मुझे इन्फेक्शन हो जाता है। या कुछ खवातीन ये भी कहती हैं कि जब भी मैं अपने हस्बैंड से मिलती हूँ, उनके साथ सेक्सुअल मेरे रिलेशनशिप होते हैं, तो मुझे इन्फेक्शन हो जाता है। मैं यहाँ पे जरूर चाहूंगी कि आप जो दोनों कपल्स में से दोनों पार्टीज को ट्रीट करने वाला जो एक सीन है, उस पर भी आप जरूर थोड़ा सा बताएं। और ये भी हमें कोई थोड़ी सी इस प्लेटफॉर्म के तवस्त से जो हमारी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं उसमें हाइजीन और उस बारे में थोड़ा सा प्लीज हमें गाइड कर दें कि जिन खवातीन को बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद इन्फेक्शन वजाइनल या यूरिनरी ट्रैक्ट का हो रहा है, उनके लिए और उनके हस्बैंड्स के लिए हमें थोड़ी सी गाइडलाइन प्लीज मैं आपसे जरूर चाहूंगी। जी देखिए, हमारे मजहब में सफाई का एक बहुत बड़ा मकाम है, और ये इतना इंटीमेट ताल्लुक है जिसमें जिस्मानी तौर पर मुलाकात हो जाना खातून और उनके खावंद की, उसके दौरान यकीनन इन्फेक्शन होने का चांस है। ये कोई ऐसी अचंभे की और अनहोनी बात नहीं है, लेकिन उसका बार बार होना परेशानी की बात है। फिर उसकी कोई वजह है, उसको मालूम करना चाहिए। उसके लिए खातून और मर्द दोनों के पेशाब के कल्चर होना, और अगर उन्हें नहीं समझ आ रहा कि ये पेशाब का इन्फेक्शन है या सेक्जुअल एरिया का, तो उनके फिर सेक्जुअल फ्लूइड्स का यानी हाई वजाइनल स्वैब या सेमिनल फ्लूइड का कल्चर होना और उसके जरासीम के बारे में जानना, और उनकी डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट्स हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं, उनका पूरा प्रॉपर डोज लेना। और अगर कंफर्म हो गया है कि सेक्जुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो फिर दोनों पार्टनर्स को एक साथ ट्रीट होना और उस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना। फिर से कह रही हूँ, हाइजीन का जिस्मानी ताल्लुक से पहले और उसके बाद सही से ख्याल रखना, और सेक्सुअल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो हमारा मजहब का और हमारा अखलाकी फर्ज है अपने पार्टनर के साथ, उसको फॉलो करें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि लोगों को ऐसी तकलीफ नहीं होंगी, और अगर हो जाए तो उसको प्लीज तशखीस करें बजाय हकीम से और इधर उधर से दवा लेके फ्रेंड से पूछ के खा जाएं। और ये चीजें आई वुड सजेस्ट कि इनको मिथ नहीं बनाना चाहिए, इनको बेखौफ होके डॉक्टर से डिस्कस करना आपका हक है, बजाय कि उसको सोशल मीडिया से पूछ के उसका इलाज किया जाए। क्योंकि अक्सर लोग मैसेजेस करते हैं कि आप प्लीज मुझे दवाई बता दें, तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि मैं इस वक्त आपकी डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको इन पर्सन नहीं देखा, मैं आपके टेस्ट मैंने नहीं करवाए, मैंने आपके टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं देखी, मैं आपको दवा नहीं बता सकती। तो इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से एक दफा फिर मैं आपको यही कहूंगी कि प्लीज अगर आपको ऐसा कोई इशू है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा है, तो आप अगर आपको लग रहा है कि बार बार आप जब भी अपने शौहर के साथ आपका जिस्मानी ताल्लुक होता है उसके बाद आपको इन्फेक्शन होता है, तो आप काइंडली आप दोनों डॉक्टर के पास जाएं और दोनों अपनी अलामात बताएं। कई दफा ये होता है कि बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ऐसे हैं जिनकी अलामात नहीं भी होती, और उस वजह से भी आपको कई दफा वजाइनल इन्फेक्शन के साथ साथ यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन भी उसके साथ ही हो जाता है। तो आप काइंडली जरूर डॉक्टर के पास जाएं और उनको ये बात बताएं, और डॉक्टर के पास जाके उनको तफसील से बात बता के दोनों पार्ट मतलब दोनों जो पार्टनर्स हैं वो अपने टेस्ट करवा के फिर उनसे दवाई तशखीस करवाएं, बजाय इसके कि आप यहाँ वहां टोट के करते रहें और फिर उसके बाद जो है वो बीमारी बढ़ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप वेरी ब्रीफली मैं आखिरी क्वेश्चन लेना चाहूंगी जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। एक तो ये आपने खुद ही बताया कि प्रेगनेंसी में, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी थोड़ी कम होती है, तो प्रेगनेंसी में औरतों में ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो उसके लिए भी मेरे ख्याल से यही सारी प्रैक्टिसेस जो आपने ऑलरेडी बताई हैं, सफाई का ख्याल रखें, पानी ज्यादा पिए, लेकिन इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में कोई और औरतें कोई ऐसा तरीका कार या कोई प्रिवेंशन का कोई तरीका अपना लें, या प्रेगनेंसी में अगर ऐसा इन्फेक्शन हो तो उसको कैसे डील करना है, एक तो ये क्वेश्चन, और दूसरा ये कि बहुत सारे मर्द हजरात ने भी मुझे मैसेजेस किए हैं कि जी हमें भी यूटीआई हुआ और बहुत सवेर हुआ, तो काइंडली पहले आप मुझे प्रेगनेंसी वाली बात का जवाब दें, फिर बहुत ब्रीफली हम लोग मर्दों में जो यूटीआई है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि उसकी वजूहत क्या हो सकती है और उनको क्या करना चाहिए। ठीक, हमल के दौरान एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिस्म में, जिसका नाम प्रोजेस्टेरॉन है। वो ओवरऑल जिस्म के तमाम मसल्स को या जो पट्टे हैं उनको ढीला कर देता है, जिसमें मेदे के पट्टे, मसाने के पट्टे, बच्चेदानी के पट्टे, वरना अल्लाह की तरफ से बच्चा उस बच्चेदानी में रह नहीं सकता, निकलना शुरू हो जाए वक्त से पहले दर्द आ जाए। इसी तरह इन खवातीन को मेदे की रीगर्जिटेशन ज्यादा होती है हमल में, उसकी वजह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। इसी तरह यूरेथ्रा डायलेटेड होता है, खातून का इम्यूनिटी मैकेनिज्म लो हो जाता है,
वजाइनल फ्लोरा चेंज हो जाता है, जो वजाइना में कुछ ऐसे जरासीम जो इन्फेक्शन को ऊपर नहीं जाने देते वो तब्दील हो जाते हैं हमल के हॉर्मोन्स की वजह से। तो इन तमाम वजूहात से, और प्रेशर होता है सबसे बड़ी बात है मसाने के ऊपर कॉन्स्टेंटली, उसकी वजह से एक फीलिंग रहती है डिस्कम्फर्ट की, और खातून या तो जल्दी जल्दी पेशाब करती हैं या फिर नहीं जाती हैं या फिर रोकती हैं या वट एवर, या पानी कम पीती हैं डर के मारे के जाना पड़ेगा पेट लेके, कैसे बैठेंगे कैसे उठेंगे, इन सारी वजूहत से, इस वजूहत से उनको मसाने के इन्फेक्शन ज्यादा हो सकते हैं। ये तो हो गई हमल की वजूहत। अब जहां तक मर्द हज़रात के मसाने के इन्फेक्शन का ताल्लुक है, मसाने के इन्फेक्शन का तो उनका यही सिम्टम्स होंगे जैसे औरत के होंगे, डिस्यूरिया, सुप्रा प्यूबिक पेन, फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर उनको यूरेथ्राइटिस है, उनके जिस्मानी उज्व की शक्ल इस तरह की है कि उनका यूरेथ्रा लंबा है और उसमें एक इन्फेक्शन होती है गनोरिया, जिससे उनको यूरेथ्राइटिस हो सकता है, बिकॉज उनका मसाने का और उनके सेक्सुअल ऑर्गन का एक ही नलकी है। खातून के दो अलग अलग रास्ते हैं, मर्द का वो रास्ता बिल्कुल की, तो इसलिए सेक्सुअल इन्फेक्शन उनके यूरेथ्रा में रह सकती हैं, और उनको भी प्रॉपरली कल्चर करा के, और अगर ए सिम्टम वो ए टिपिकल बैक्टीरिया है तो उसके डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, और अगर जो कॉमन बैक्टीरिया है तो वो सिंपल कल्चर रिपोर्ट्स पे पॉजिटिव आ जाते हैं। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेल डॉक्टर्स हैं, मेल यूरोलॉजिस्ट हैं, उनसे जाके सही से अपना मुआयना करवा के जिस्मानी हिस्से का टेस्ट करवा के और फिर दवा लें, उनके लिए भी यही मशवरा है, बजाय कि खुद से किसी से पूछ के खा लें कि बस ये खा लिया ठीक हो जाना। यानी कि प्रॉपरली मेल्स के लिए शायद ये ज्यादा मतलब जरूरी है, क्योंकि उनमें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी यूटीआई की फॉर्म में अपेयर हो सकते हैं। तो लाजमी अगर आप में से किसी को ये प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर अपने यूरिन का जो सैंपल है वो दे के उसका कल्चर करवाएं और देखें कि क्या बैक्टीरिया है। डॉक्टर साहब सॉरी अब हमें देर हो रही है, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन मुझे याद आ गया जो कि मुझे मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी अपनी भी मेरी दो माशाल्लाह छोटी बेटियां हैं। तो एक खातून ने मुझसे पूछा था कि उनकी 10 साल की एक बच्ची है जिसको बार बार यूटीआई का इशू होता है, तो काइंडली जो बच्चियां हैं उनके हवाले से भी थोड़ा सा अगर आप गाइड कर दें कि पेरेंट्स कैसे उसको प्रिवेंट करें, किन चीजों की तरफ ध्यान रखें, और क्या वो प्रैक्टिसेस हैं जो कि यूटीआई को छोटे बच्चों में प्रिवेंट कर सकती हैं और उनमें ये बार बार क्यों होता है। ठीक है, अर्ज किया कि बच्चे जब जिस्म को धोते हैं, और 10 साल का वो बच्चा है जो अब माँ से भी अटेंड नहीं हो रहा, 1 साल 1.5 साल का बच्चा तो माँ ने अटेंड कर लिया, उसने सफा भी रख दिया, अब ये बच्चियां खुद को खुद साफ कर रही, उनके वो खेलने की एज है, उनको अभी इतनी समझ भी नहीं, तो वो शायद अपनी सफाई का ऐसा ख्याल नहीं रख सकती, और उनकी अब प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है, उनके वजाइनल सिक्रीशंस में इजाफा हो सकता है, उसकी वजह से मॉइस्चर बढ़ सकता है, ये भी एक वजह हो सकती है। नंबर दो, जो मैंने अर्ज किया कि हमारे यहाँ अब तंग लिबास बार बार बच्चियों को पैंटी पहना देना ये रिवाज है, लेकिन फिर उसको तब्दील करना, उसको ड्राई रखना और बार बार जिस्म को पेशाब करा के सही से उसको धोने का, बच्ची को बताना कि बेटा जो तुम्हारी जिस्म है उसका क्लेफ्ट है, उसमें ये जगह है, उसको अच्छे से धो लेना है और फ्रंट से बैक की तरफ साफ करना है और ड्राई रख के खुद को, तो कपड़ा पहनना है बार बार, बच्चियां स्कूलों की जो सुबह की पैंटी पहनी रात तक उसमें रहेंगी तो फिर उनको इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर वो स्कूलों में अवॉइड भी करती हैं। दूसरा, अब हमारे बच्चे जिस किस्म की खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मीठा बहुत ज्यादा, जूस बोतल बच्चे इतना पीते हैं, टॉफियां च्युइंगम चबाई जा रहे हैं, उसके अलावा मिर्च मसाले वाले चिप्स खा ले रहते हैं, तो वो खुराक की भी कोई ऐसी फॉर्म नहीं है जिससे बच्चों का कोई प्रॉपर इम्यून मैकेनिज्म काम कर सके, और ये इरिटेंट्स हैं, देयर ऑल इरिटेंट्स, दे डोंट गिव देम, और इतना ज्यादा ग्लूकोज जिस्म में होगा तो वो पेशाब में निकलेगा। और दूसरा, अभी उनका ईस्ट्रोजन इतना मेच्योर नहीं होता कि उनका जिस्म का एपिथीलियम बहुत थिक हो और वो जरासीम को जल्दी से अंदर ना जाने दे, उनका जिस्म का ठीक जो एपिथीलियम है या ऊपर की झिल्ली है वो पतली होती है, इसी तरह बुजुर्गी में भी वो जिस्म की झिल्ली पतली हो जाती है, इसलिए छोटे बच्चियों में और बुजुर्ग खवातीन में बार बार इन्फेक्शन इस वजह से होता है कि उनकी जो मसाने की और वजाइना की झिल्ली है वो पतली हो जाती है, वही आम जरासीम जो पहले असर नहीं करता अब वो बार बार एंटर होके उनके उस जिस्म को इरिटेट कर सकता है। तो बच्चों में भी और बुजुर्गों में भी सही ये वजह है हाइपोईस्ट्रोजेनिक होना जिस्म का, और खुराक में बहुत ज्यादा मीठी अशिया और ऐसी जंक फूड खाना, तो हेल्दी हैबिट्स हेल्दी लाइफस्टाइल, बच्चे चलते ही नहीं अब कंप्यूटरों पे बैठे बैठे, चलने की आदत हो बार बार चलें तो जिस्म उनका ठीक रहे, नीचे हवा लगे और तंग लिबास ना हो, पानी पिए, टॉयलेट को साफ रखें, उनको सफाई से धोना खुद को सिखाएं,
आई थिंक ये सब चीजें होंगी तो बेहतरी हो जाएगी, इतना कोई मुश्किल नहीं है सबको करना। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि बच्चों को अच्छी गिजा दें, बच्चों को ही नहीं हम सबको ही चाहिए कि हम ऐसी गिजा लें जो कि हेल्दी है, ताकि हमारा जो कुव्वत है मुदाफ़त है हमारे जिस्म की, जो इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं, वो बढ़े, हम इन्फेक्शन से लड़ सकें। दूसरा, ये सफाई सुथराई का ख्याल रखें, हमेशा पहले आगे से अपने आप को वॉश करें, फिर पीछे से वॉश करें, धोने के बाद, सादे पानी से धोने के बाद बिल्कुल हल्के हाथ से आप अपने जिस्म को टिश्यू पेपर से ड्राई करें। कपड़े अपने हैं उनको बार बार चेंज करें, एक जगह बहुत देर तक बैठे न रहें, उठ के चलें फिरें, बच्चों में भी अपने अंदर भी आदत पैदा करें, बहुत देर तक एक जगह बैठने से भी मॉइस्चर और वो जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे भी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। पानी का इंटेक अच्छा रखें, और एक बात जो डॉक्टर साहब ने भी की, प्रोफेसर साहिबा ने भी, और मेरी वीडियो में भी आपने देखी और बार बार आपसे कह रहे हैं, बी ओरिजिनल बी कंपैशनेट, यानी कि आप ओरिजिनल दवाई लें जो कि अच्छी दवाई है, जिसकी थोड़ी डोज से भी आपको आराम आ जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि हर एक चीज में एक स्टैंडर्ड होता है, उसी तरह दवाइयों में भी स्टैंडर्ड्स हैं। कुछ लोग होते हैं वो दवाई, वही इन्फेक्शन होता है, एक दवाई उनको दी जाती है, और अक्सर जैसे लोग कहते हैं जी हम गवर्नमेंट के अस्पताल में गए, वहां से हमने दवाई ली, हमें असर नहीं हुआ, क्योंकि वो इतनी अच्छी क्वालिटी की दवाइयां नहीं आ रही होती और वो पेशेंट काफी अरसे तक खाता रहता है। तो होता ये है कि उन जरासीम के खिलाफ, एक तो ये कि जरासीम ताकतवर होते जाते हैं, वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं समझे। एंटीबायोटिक के खिलाफ। यहाँ मैं आपसे बहुत माजरत के साथ इख्तलाफ करना चाहूंगी। आपने गवर्नमेंट अस्पताल का जी जी लफ्ज जरूर इस्तेमाल किया, जरूर जो जरूर, मुझे, मेरे दिल को हाँ बहुत जोर से लगता है, बिकॉज मैं हुकूमती मुलाजिम हूँ और मैं एक सरकारी अस्पताल में काम करती हूँ, और मेरा ये ख्याल है कि ऐसा हम सिर्फ सोच लेते हैं, ऐसा नहीं है। सरकारी बिल्कुल अस्पताल के डॉक्टर ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। अब वो ठीक है, कभी कभार दवा का स्टैंडर्ड, तो वो शायद जो करीबी अस्पताल, जिस छोटे क्लिनिक पे जाके नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर से एक दवाई लिखवा रहे होंगे, शायद अस्पताल में उसे बेहतर ही मिल रही होगी। बेहतर मिल, लेकिन डॉक्टर साहब मेरा कहने का मकसद ये था, क्योंकि मैंने भी गवर्नमेंट के अस्पताल में काफी अरसा, जाहिर बात है मेरा आप जितना तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यह है कि कई दफा जो अद्वियात गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को दे रही होती है देयर माइट बी ओकेजंस, उनका हाँ वो स्टैंडर्ड नहीं होता। हाँ, वो ओरिजिनल दवाइयां नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट सस्ती दवाइयां परचेज करती है। सीधी सी बात है, हमारे यहाँ हम एक कहने को एक गरीब मुल्क के लोग हैं और हमारी गवर्नमेंट के पास उतने वसाइल नहीं है शायद, तो वो क्योंकि सस्ती दवाइयां परचेज कर लेते हैं उसमें, और उनमें इतना वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते। तो डॉक्टर्स तो नो डाउट के गवर्नमेंट के अस्पतालों में जो डॉक्टर्स हैं, जितनी जितना मतलब उनके पास जितना नॉलेज और जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स वो देखते हैं, उसका एक्सपीरियंस, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन कई दफा गवर्नमेंट के अस्पतालों में जो दवाइयां अवेलेबल होती हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, जिसकी वजह से पेशेंट्स जो है वो सफर करते हैं और डॉक्टर्स भी मजबूर होते हैं, क्योंकि जाहिर बात है अगर गवर्नमेंट की तरफ से दवाई आ रही है तो उन्हें वही लिखने को कहा जाता है। तो मेरा ये इसकी कहने का वजह ये मकसद हो था कि सकती है, अगर समझे ना, कि जी जी यहाँ मैं कहूंगी कि हाँ, कि वो ओपीडी में शायद जो मरीज आता है उसको वो पूरे अरसे की दवा नहीं दी जाती, बिकॉज इतना लंबा पेशेंट्स की लाइन बिल्कुल होती है, तो उस जो जो फार्मासिस्ट है उसने थोड़ी वो दो दो गोलियां उनको दे देगा। अब वो खातून ने अगर बिल्कुल 10 बिल्कुल गोलियां खानी है, वो दो खा लेगी घर जाके और मुड़के नहीं आएगी अस्पताल। सो दिस नहीं माइट बी द आएगी, बिल्कुल रीजन, लाइक अंडर डोजेज एंड इम्प्रॉपर मेडिकेशन, दैट माइट बी द रीजन आई गेस। हाँ क्योंकि हम तो पेशेंट को लिखते हैं दवाई अगर 3 या 5 दिन की, लेकिन वही आपकी वाली बात कि जब पेशेंट जाता है फार्मेसी पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के फार्मेसी पे, तो उनका एक रूल होता है कि नहीं जी हमने इतनी ही दवाई देनी है, इससे ज्यादा नहीं देनी, जिसकी वजह से पेशेंट भी बार बार वो राइट कहता है मैं फिर जाऊंगा, फिर लाइन में लगूंगा, फिर दवाई हाँ लूंगा, तो वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक। और फिर खवातीन के लिए घर से बार बार अस्पताल जाना भी इतना ईजी नहीं होता, तो ये सब अवामिल हैं। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि हमारा सिस्टम वक्त के साथ साथ मजीद बेहतर होता जाएगा, प्रोफेसर साहबा जैसी मजीद डॉक्टर्स जो के पेशेंट्स को सही तरीके से गाइड करें, वो उनकी कोई कमी नहीं है हमारे दरमियान। तो आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी मसला हो, तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाइए, डॉक्टर के पास जाके उसको मुकम्मल अपना जो सिम्टम्स है वो बता के उनसे अपनी बीमारी की तशखीस करवाएं और उसकी दवाई लें। और अगेन, बी ओरिजिनल एंड बी कंपैशनेट, अपने आप के साथ नरमी का सलूक रखें, प्रॉपर एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, अच्छी दवाई लेके डॉक्टर से खाएं और उसको प्रॉपरली खाएं जैसे कि आपको कहा गया है, जितने दिन के लिए जितनी डोज में कहा गया है, यही आपका कंपैशनेट बिहेवियर है अपने साथ, जिससे आपका जिस्म भी ठीक रहेगा और आप ठीक रहेंगे तो अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल भी रखेंगे। तो थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहिबा फॉर बीइंग हियर विद अस, थैंक यू आपने तमकिनाथ, बहुत थैंक डिटेल यू में बायर और फार्मा, बहुत अच्छे तरीके से और सब लोग
जिन्होंने लिंक किया मेरा, उनको भी शुक्रिया है, और मेरा सबको यही मैसेज है आया। कि SOGP इज मेंट फॉर वुमेन हेल्थ और एंड मेरी बेटर अपनी बहुत एजुकेशन सारी फॉर द जो डॉक्टर्स। मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि तो SOGP के प्लेटफॉर्म से भी, बिल्कुल SOGP के प्लेटफॉर्म से आप हमारे साथ मौजूद थी। थैंक्स अलॉट टू बायर फार्मास्यूटिकल हु हैव कोलैबोरेटेड विद अस ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और SOGP बायर और मेरी तरफ से और डॉक्टर साहबा की तरफ से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों थैंक यू को वेरी मच। हमारे इस सेशन से जरूर आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच अगेन। आई वुड लाइक टू से कि बी थैंक यू। कंपैशनेट विद योरसेल्फ एंड बी ओरिजिनल एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।